Well, it's 8 in the morning and I am leaving for my job. मतलब काम पे चला हूँ. मैं जब छोटा होता था ना, मतलब स्कूल में, तब इंग्लिश का एक ऐसे होता था माय फेवरेट हॉबी, और हॉबी होती थी गार्डनिंग, जो ऐसे था जो इंग्लिश में मैंने याद किया हुआ था. उसके पॉइंट्स मुझे कुछ कुछ अभी भी याद है. मतलब ये आपको ताज़ा सब्जियां देता है, गार्डनिंग आपको अच्छी हवा देता है और वेजिटेबल्स देता है, फूल देता है, एटमोसफेयर को कूल रखता है. वो इसलिए नहीं कि मुझे गार्डनिंग का शौक़ था, वो इसलिए था कि वो इजी बहुत था, याद करने में आसान बहुत था. और कुछ देर के बाद पता चला वो मेरा फेवरेट ऐसे नहीं था, वो सभी बच्चों का फेवरेट था. एनी हाउ, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो मुझे फील हुआ कि गार्डनिंग सच में अच्छी हॉबी है. मतलब जो फ़ायदे हम पढ़ते थे वो सच में आपको फ़ायदा देते हैं. गार्डनिंग से अच्छी हवा, वेजिटेबल, फूल, नए नए फूल, और अच्छा जो व्यू है वो देखने को मिलता है. अब इशू ये होता है कि सभी के पास इतनी जगह नहीं होती कि घर के अंदर प्लांट्स लगा सकें, गार्डनिंग कर सकें, वेजिटेबल वगैरह उगा सकें. तो इस हॉबी को कैसे पूरा कर सकते थे? जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा घर बन रहा था, मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था, आप लोगों ने देखा होगा. तो वहाँ पे काफ़ी सारी जगह थी पीछे खाली, तो वहाँ पे मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ वेजिटेबल्स उगाई जाए. मैंने जब घर हम लोगों ने लिया, मतलब जब बनाना शुरू किया कुछ देर पहले, मैंने तभी से इसकी बुनियाद रख दी थी और वेजिटेबल्स मैंने उगाना शुरू कर दी थी. आज मैं आप सभी लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह की मैंने वेजिटेबल्स जो हैं वहाँ पे उगाई हैं और वो कितनी ग्रो कर गई हैं. एनी हाउ, अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है ताहिर, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो. आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल. तो चलिए मैं आज सभी लोगों को अपनी जो गार्डनिंग है, मतलब जो वेजिटेबल्स हैं जो मैंने ग्रो किए घर के पीछे, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ. अच्छा यार, ये जो है ना घर की बैक साइड है, उस साइड पर रोड है, और पीछे से आके ना ये जगह जो है वो खाली पड़ी थी सारी जगह. आवाज़ में कुछ आप लोगों को फील हो रहा होगा क्योंकि वो पीछे घर भी बन रहे हैं जगह जगह पे, तो ये मतलब सारा वो सामान वगैरह पड़ा, ये जगह सारी खाली थी. घर के पीछे ये जगह थी जहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेबल्स जो हैं वो उगा ली. ये आप लोग देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही हैं. ये काफ़ी देर से इसके ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ, इसको मैं ग्रो करने की कोशिश कर रहा था, तो अब फाइनली जो इसकी वो शक्ल निकल रही है, वो काफ़ी सारी मैंने निकाल भी ली है. यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये हैं शलजम. ये देखें, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये माशाल्लाह से, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ. काम के बीच में थोड़ी बहुत आवाज़ आ जाती है क्योंकि काम भी देखना पड़ता है, ये चीज़ें तो साथ साथ चलती रहेंगी, तो इस वजह से थोड़ी सी ब्रेक आ गई थी, आवाज़ आ गई थी उस साइड से मुझे. अच्छा जी, बैक टू व्यू. ये देखें माशाल्लाह से शलजम कितने खूबसूरत बन गए हैं, और ये शक्ल इनकी निकल आई है. ये सारी लाइन जो है ना, ये मैंने शलजम की बनाई थी. ये एंड पे भी जो बॉर्डर है मैंने वो शलजम का उगाया था. देखें यहाँ से ये शुरू होते हैं, वो वाली लाइन अभी बनी नहीं. ये सारे शलजम है, ये बॉर्डरिंग सारी शलजम की है और यहाँ तक, ठीक है. ये देखें माशाल्लाह से शलजम जो है वो बन गए, पक गए हैं, और मैंने जहाँ से तोड़े भी हुए हैं, ठीक है. ये देखिए शलजम पूरे आपको नज़र आ रहे हैं, और इसके साथ साथ इसके अंदर जो है वो ये था पालक. ये देखें, ये सारा पालक है.
ये सारा पालक है, ये देखें ये सारा पालक है और ये पालक है। हाँ जी, ये इसके साथ इसको मैंने अभी शुरू किया है, पहले नहीं था। ये मूलियाँ हैं, ये मूली का पत्ता, ये भी तकरीबन ग्रो कर गया। ये मैंने थोड़े से बीज डाले थे, ज़्यादा नहीं मैंने इसको किया ना। ये देखिए माशाल्लाह से वो पूरी जो मूली है वो बाहर आ रही है। और वो यहाँ पे है मेथी, ये सारी मेथी है ठीक है। और इसके बॉर्डरिंग पे ये फिर मूली है और पीछे ये सारा लहसुन है। ये बस था नहीं इतना ज़्यादा करने का, लेकिन ये हो गया। तो माशाल्लाह से ये सारी वेजिटेबल यहाँ से मैं दिखाता हूँ, ये टोटल एरिया है जनाब। ये देखिए सारी वेजिटेबल जो माशाल्लाह से पक गई है, और मैंने यहाँ से ओरिजिनल जो वेजिटेबल है वो निकाली है। ओरिजिनल मतलब पकी हुई। ये देखिए ये शलजम भी है, ये सारे पके हुए हैं माशाल्लाह से। ये देखिए, ये देखिए, मतलब करने में बड़ा मज़े का काम है, क्योंकि जो फ्रेश वेजिटेबल निकलती है, एक तो आपको वेजिटेबल बिल्कुल फ्रेश मिल जाती है, मतलब ताज़ा एकदम से पीछे से निकालें और पकाएं खाएं। और उसके साथ साथ जब भी मैं मतलब घर की बैक साइड पर आता हूँ तो कच्ची सब्ज़ी मैं खा लेता होता हूँ, क्योंकि वो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये हॉबी जो बचपन में पड़ी थी कि जो पॉइंट्स पड़े थे उनका एहसास अब जाके हुआ कि वो कितनी मज़े का काम है और कितना फ़ायदा देती है। ये सारी वेजिटेबल है जो जो मैंने वहाँ पे उगाई है, मैं आपको एक तो दफ़ा फिर से इसका व्यू दिखाता हूँ। छोटे से एरिया पे ये माशाल्लाह से बड़ी खूबसूरत तरीके से ना ग्रो कर गई है। अब वो जिसकी ये जगह होगी जिस अल्लाह के बंदे की, अब उसके ऊपर है, वो आएगा वो इसके ऊपर ख़त्म कर देगा। लेकिन जितनी देर ये जगह खाली पड़ी है, मैं इसके ऊपर ज़्यादा एरिया जो ना नेक्स्ट मैंने ये एरिया जो सोचा हुआ है इसको मैं अच्छे से ग्रो करूँगा, कोई और नई चीज़ लगाऊंगा, ताकि तो इर्द गिर्द के लोग भी ले जाते हैं, हमने कभी किसी को मना नहीं किया। तो अभी इरादा है उस जगह पे भी कुछ उगाने का। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यहाँ पे मैं क्या उगाऊँ जो जगह खाली पड़ी है, या जब इसको मैं एक्सटेंड करूँ तो किस वेजिटेबल के साथ एक्सटेंड करूँ, क्योंकि वेजिटेबल बड़ी आसानी के साथ ना ग्रो हो जाती है। तो इसलिए मैंने वेजिटेबल्स जो है वहाँ पे उगाई थी। बाज़ार से लाने का भी इशू रहता है, तो घर के पास ही है, बिल्कुल साथ ही तोड़ेंगे और पकाएंगे और खाएंगे। अच्छा, अब ना मैं थोड़ी सी कोई घर की अपडेट देता हूँ। एक नई चीज़ मैंने यहाँ सीखी है, सरिया की कुंडी, मुझे पता नहीं था, मैं दिखाता हूँ। अच्छा, ये सरिया है और इसकी ये कुंडी बनी हुई है। इस सरिये का जॉइंट इस सरिये के साथ करने का ये एक तरीका मैंने पहली दफ़ा देखा है, जो कि मुझे पहले नहीं था पता। ये मैंने आज देखा, ये कोई इसकी बॉर्डरिंग हो रही है ताकि मजबूती हो, और ये कुंडी जो है बन गई है सरिये की। तो इंशाल्लाह आज इसके ऊपर सारी वो सरिया पहनने के बाद सीमेंट वगैरह ना लग जाएगा सर यहाँ पर सारा। यार भूख से ना बुरा हाल हो रहा था, तो मैंने कहा जब जाऊंगा घर तब कुछ खाऊंगा, तो उससे पहले ये ना हो कि मेरा कुछ हो जाए। तो जो वेजिटेबल मैंने उगाई है वो कुछ काम आएगी, क्यों ना एक तोड़ के मैं खा लेता हूँ यहाँ से। चल शलजम हल्की हल्की भूख में मुनासिब सा शलजम। वेल यार लंच का टाइम हो गया और मैं काम कर करके थक गया। जैसे मेरी बस हुई वो बच्चे आ गए मुझसे मिलने, मरियम ईशा और ईशा, तो इसके साथ काफ़ी थकन दूर होगी। तो व्लॉग को मैं यहाँ पे करता हूँ एंड, आज के लिए इतना ही। मरियम बाय बाय कर दो, बाय 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 बाय। मरियम ने हाथ सारे गंदे कर लिए। तो आज के लिए इतना ही, व्लॉग अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ईशा अल्लाह हाफिज़ बोलो। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान। आई छी, मेरा हाथ गंदे नहीं हुए।